हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं प्रोसेस प्लानिंग, एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग पेपर के क्वेश्चंस के आंसर। इसका पेपर अभी हाल में ही आरजीपीबी डिप्लोमा के जो एग्जाम चल रहे हैं ओपन बुक ऑब्जेक्टिव, उसमें पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, जो लगभग 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी 40 क्वेश्चन का आंसर मैं बताने वाला हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो पूरा जरूर देखें। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए आज के, वो कहाँ से पूछे गए। तो आप लोगों ने, यदि आप लाइब्रेरी गए होंगे तो वहां पर प्रोसेस प्लानिंग एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग की हिंदी में बुक रखी होगी, उस बुक से पूछे गए हैं 99% क्वेश्चन। याद रखें, क्यूबी से नहीं, जो बुक लाइब्रेरी में मिलती है हिंदी में, उस बुक की बात कर रहा हूं मैं, दीपक प्रकाशन की। और न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं, वो भी सेम के सेम, सिर्फ थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है यूनिट में, बस उतना ही परिवर्तन करके क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया। या कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम के सेम वहां पर बुक में आपको मिल जाएंगे, उससे आप आंसर देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि 4 नंबर में जो न्यूमेरिकल पूछे गए, यहाँ पर जो चारों दिख रहे होंगे आपको, जैसे कि पहला क्वेश्चन है ब्लॉक हैज डायमेंशन दिए और हमें शेपिंग ऑपरेशन का टू कट्स में टाइम को कैलकुलेट करना है, जिसमें कटिंग स्पीड दी और जो एमएम स्ट्रोक दिया हुआ है फीड। ये क्वेश्चन सेम का सेम मिल जाएगा बुक में आपको, इसका आंसर है 22.7 मिनट। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें क्या करना था हमें, टोटल लेंथ ऑफ हेक्सागोन रॉड की जो कैलकुलेट करनी थी, जिसमें लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर और 40 एमएम डायमीटर दिया है। और इसमें जो भी थ्योरी लिखी थी आपकी, कई क्वेश्चन हिंदी में पढ़े होंगे आपने या इंग्लिश में पढ़े होंगे, लेकिन आंसर सेम होगा 18 सेंटीमीटर। इस तरह थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें एस्टिमेट द टाइम इन कटिंग द थ्रेड, थ्रेड में टाइम का पूछा गया, जिसमें 6 सेंटीमीटर लेंथ दी है, 5 कट दिया हुआ है, और जो यहाँ पर दिया 24 डायमीटर होता, 2 क्या होती है, पिच होती है। साइज दिया है स्टील बोर्ड्स का, इफ द कटिंग स्पीड दिए इतने, देखो ये दिया था मीटर पर आवर, जबकि क्या होता है यहाँ मीटर मिनट होता है, तो इसमें यूनिट्स परिवर्तन कर दिए। टेक द टूल ओवर, यहाँ पर 10 mm जो टूल ओवर ट्रेवल और अप्रोच दिया है, जबकि हम फॉर्मूले में कितना पढ़ते थे 7 mm, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है 79.5 सेकेंड। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाउ मच टाइम टू बी रिक्वायर्ड फॉर फेसिंग, बोथ साइड हमें फेसिंग करना है, डायमीटर दिया 3 सेंटीमीटर। When cut speed is 2 RPS and feed rate दिया हुआ है, इसका जो सेम आंसर मिल रहा हुआ है 1.25 मिनट। तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मशीन है, सेलिंग प्राइस दिए, प्रोडक्शन कॉस्ट दिए, और इफ द एडमिनिस्ट्रेटर सेल एक्सपेंसेस दिए 20% 10% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट रिस्पेक्टिवली। इसका नॉर्मली आप कैसे भी कैलकुलेट करेंगे, आंसर 315 ही आएगा, तो इसका भी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैटलॉग प्राइस है, इसमें दिया 50 रुपीज, जबकि डिस्काउंट दिया 25% और प्रॉफिट दिया 15% कैटलॉग प्राइस का, देन टोटल कॉस्ट दिए जो भी कैलकुलेट करके आती है वो आती है 30 रुपए। इस तरह नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल दिया था, फोरकास्टिंग ऑफ कंपोनेंट 10 kg वेट दिया हुआ है, 15 kg मेटल मेल्टेड मेटल इज रिक्वायर्ड है, वेट ऑफ रनर एंड गेट इज इतने दिया, फोर मटेरियल कॉस्ट हाउ मच वेट, इसका जो मेरे अकॉर्डिंग 19 kg आ रहा है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, इसमें हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन मैंने जो कैलकुलेट किया इसको ये 19 kg, ठीक है, इसमें एक 15 kg आंसर है, हो सकता है वो भी हो, लेकिन मैंने बताया कि मैंने जो कैलकुलेट किया मेरे अनुसार आना चाहिए 19 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिलेंडर हुज डायमीटर इतने इतने दिया हुआ है एंड लॉन्ग रिपीटेड ड्रॉप फोर्जिंग, इफ फ्लैश विड्थ इतने और फ्लैश थिकनेस इतने दिए, देन द वॉल्यूम ऑफ फ्लैश लॉस ए 39.25 cc आएगा, इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अ जॉब सेफ वेट दिया हुआ है, सेफ अलाउंस 4% दिया और टोटल लॉस 6% दिया, देन ग्रॉस वेट, एक ग्रॉस वेट इसका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, 165.36 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इसका क्वेश्चन भी ये बुक में देखेंगे आप सेम का सेम है, आंसर भी सेम है, इसका जो आंसर आ रहा था जो टाइम कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट की निकालना है वो कितनी है 3000, सेम का सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम है। हाउ मच लेंथ ऑफ सीट विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच, बेंडिंग का दिया 15 सेंटीमीटर रेडियस दी, इफ द थिकनेस ऑफ सीट इज 1.5 mm, इसका मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है 11.78 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सिलेंडर हुज डायमीटर 2 सेंटीमीटर
एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर देन टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया ये भी कैलकुलेट करके सही आंसर आ रहा है 69.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा फॉर अ 10 सेंटीमीटर डायमीटर जॉब व्हिच मेक्स 5 ये आरपीएस दिया, वैसे आरपीएम में दिया रहता है लेकिन यहां पर यूनिट चेंज कर दिए रिवॉल्यूशन पर सेकंड इन टर्निंग ऑपरेशन देन कटिंग स्पीड निकालना, कटिंग स्पीड मतलब एस को निकालना पाई डी एन अपन 1000 से, इसका आंसर आ रहा है 94.2 मीटर पर मिनट, इसका भी आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये थ्योरी क्वेश्चन है, मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन करेक्ट है, आप याद रखें। यहाँ पर दिया है वॉल्यूम डेंसिटी और मटेरियल में क्या रिलेशन होता, तो आप जानते हैं बीट इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। नेक्स्ट दिया था रिवर्स ऑफ ड्रॉइंग डाउन ऑपरेशन इज कॉल्ड होती है अपसेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैटर्न अलाउंस, मतलब तीन पैटर्न अलाउंस के दिए थे ड्राफ्ट अलाउंस वगैरह, लेकिन जो शेयरिंग अलाउंस है वह पैटर्न अलाउंस नहीं होता है, ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट द कटिंग स्पीड इन रीमिंग प्रोसेस इज ऑलमोस्ट देन ऑफ टर्निंग, ये भी एकदम करेक्ट आंसर है, हाफ होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया सेम का सेम न्यूमेरिकल आपकी बुक में है, इसका आंसर है 34 सेकंड। अ हैंडल दिया हुआ हुज डायमीटर 3 सेंटीमीटर लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर नर्लिंग इज 2 मीटर इफ कटिंग स्पीड 20 मीटर पर मिनट एंड फीट दिया हुआ है रिवॉल्यूशन देन द नर्लिंग टाइम निकालना नर्लिंग के लिए, सेम न्यूमेरिकल दिया बुक में, इसका आंसर था 34 सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थ्योरी के कुछ आंसर है जिसमें लिखता फिक्सेशन ऑफ टाइम एंड डेट ऑफ ईच ऑपरेशन, ये होता शेड्यूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, लेकिन इसका जो बुक में क्वेश्चन सेम दिया है ओनली थर्ड वाला आंसर करेक्ट था, ठीक है फ्रेंड्स, इसका ओनली थर्ड वाला आपने टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू होता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो ये भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज स्टफनिंग मेथड फॉर सीटिंग, तो ये वैसे जो क्वेश्चन होता है एज स्टफनिंग जो मेथड होती है उससे हम स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो स्ट्रेंथ का ऐसी कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने राइजिंग वाला जो ऑप्शन था उस पर टिक किया हुआ है, ये राइजिंग ऑप्शन होना चाहिए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था स्पीड ऑफ वर्क पीस इज रिलेटिव टू टूल इज कॉल्ड, इसका जो करेक्ट आंसर था वो था कटिंग स्पीड, इनके भी आंसर आपको सही मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन फ्रेंड इनके भी आंसर एकदम करेक्ट है, लिखा हुआ इन विच प्रोसेस फोल्ड्स और रिप्स इन सीट्स आर रिमूव, ये ब्रेकिंग आउट आंसर इसका। नेक्स्ट लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सूटेबल फॉर नट एंड बोल्ट प्रोडक्शन, ये थी मास प्रोडक्शन इसका जो ऑप्शन था वो भी करेक्ट आंसर है। ड्रॉइंग डाउन इसका भी एकदम करेक्ट आंसर है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वर्क पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रूट सीट जनरली कंबाइंड विद, इसका भी एकदम करेक्ट आंसर है ऑपरेशन सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैन्युफैक्चरिंग डिटरमाइन द मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस इज नॉट, इसका जो आंसर था पास्ट एक्सपीरियंस जो भी ऑप्शन में था वह करेक्ट आंसर था। इन विच ऑफ द जॉइंट कवर सीट इज यूज, ये बट जॉइंट में यूज की जाती है, तो इसका भी करेक्ट आंसर था, इनके भी आंसर आपको पता चल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जिसमें लिखा था मेन ऑब्जेक्टिव और बजट, ये भी एकदम करेक्ट आंसर है कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीसेटिंग मशीन, इसका भी एकदम करेक्ट आंसर है मास प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्ट इंजीनियरिंग ये टू प्रिपेयर प्रैक्टिकल डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, वैसे जो बुक में आंसर दिया था यहाँ पर लिखा टू प्रिपेयर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारे अकॉर्डिंग टू प्रिपेयर प्रैक्टिकल डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट ही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मास्टर बजट इज प्रॉफिटेबल, ये होता बिग इंडस्ट्रीज के लिए, ये भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये भी करेक्ट आंसर है फोरमैन वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा फोर प्राइस कंट्रोल ऑन विच कॉस्ट स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन ओवरहेड्स, जो ओवरहेड्स है उस पर स्पेशल अटेंशन रहती है क्योंकि उसमें कम ज्यादा किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स कुछ चार या पांच क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो उनके आंसर भी मैं बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑन इट्स प्रोडक्ट फॉर विच फॉलोइंग मेथड्स मोर इफेक्टिव, तो ये होती है रिड्यूसिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस करके हम ज्यादा से ज्यादा उसमें सेलिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था लेंथ ऑफ कट फॉर फेसिंग 2 सेंटीमीटर डायमीटर वर्क पीस विल बी, इसका आंसर था 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा फोर्जिंग इन अ गियर मैन्युफैक्चरिंग, ये होता है बेसिक प्रोसेस ऑपरेशन, कौन सा होता है बेसिक प्रोसेस ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन सिस्टम ऑफर्स लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पर पीस, ये होता है मास प्रोडक्शन में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फॉर विच मटेरियल वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर कटिंग स्पीड, इसका आंसर था जो पहला था स्टील, पहला या दूसरा जो भी हो इसका जो आंसर था स्टील।
फ्रेंड्स, ये 40 क्वेश्चन थे मेरे पास जो रिसीव किए हैं, जो बच्चों ने भेजे हैं उनके मैंने आंसर बताने की कोशिश की है। मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर सही हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। 99% क्वेश्चन आपकी बुक से पूछे गए हैं जो लाइब्रेरी में मिलती है दीपक प्रकाशन की हिंदी में। याद रखे क्यूबी से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, जो आपकी बुक है लाइब्रेरी की हिंदी में दीपक प्रकाशन की, उससे क्वेश्चन पूछे गए उसी की निमित करें। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता, आपको फायदा मिलता तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।